तो दोस्तों नेविगेशन बार अरे ना ही मिली है और ना ही मिलेगी भाई, ऐसा नहीं। अरे क्या मिला MIUI 11 में? चाइना में अल्ट्रा पावर मोड, ऐप ड्रो, नेव बार, और हमें क्या मिला? अबे थीम थमा दिया MIUI 11 के नाम पर। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार थोड़ा सा मजाक यहाँ पर किया है, प्लीज बुरा मत मनाइएगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हंसा दूं। तो यार बात करने वाले हैं यहाँ पर नेविगेशन जेस्चर्स के बारे में, यानी कि नेविगेशन बार। आप सभी के बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि आपको ये जेस्चर्स कब देखने को मिलेंगे, किन डिवाइसेज में देखने को मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दे दूं। वीडियो पसंद आएगी तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कभी एंड्रॉइड 10 यूट्यूब पे देखा है, या किसी आपके फ्रेंड के पास जो है वो एंड्रॉइड 10 का डिवाइस है, तो उसमें आपको एक जेस्चर बार देखने को मिलती है, यानी कि नेविगेशन बार। तो यहाँ पर आप जो है वो नीचे स्वाइप कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग जो है वो काफी अच्छी होती है, एनिमेशन बहुत अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की नेव बार आपको देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों अभी शोमी के जो डिवाइसेज है इंडिया एंड चाइना में, उनमें ये आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज जो है एंड्रॉइड 9.0 को ही सपोर्ट करते हैं, कुछ ओडियो को करते हैं, पर एंड्रॉइड 10 में जो है बहुत ही कम डिवाइसेज है, सिर्फ K20 एंड K20 प्रो ही हैं। पर दोस्तों बहुत ही जल्द शोमी भी यहां पर जो है वो नेव बार, यानी कि नेविगेशन बार लाने वाला है, यहां पर जेस्चर बार आप कह सकते हैं। शोमी जो है इनको एक नाम देने वाला है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं इसका नाम क्या है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर, तो दोस्तों शोमी कुछ इस प्रकार का नाम इसे देने वाला है। तो यहां पर इस प्रकार की जो है आपको नेव बार देखने को मिलेगी। और यही नहीं दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है एक वीडियो लीक हुई है जिसमें ये नेव बार दिखाई गई है। यहां पर आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहां पर लेफ्ट एंड राइट जो है वो जा सकते हैं नेविगेशन बार से, तो आपको यहां पर जो है वो ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्वाइप करने की आप जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये जो फीचर है यहां पर लाया जाएगा एंड्रॉइड 10 के डिवाइसेस के लिए। तो दोस्तों ये जो फीचर है वो MIUI 11.2 सीरीज में हमें देखने को मिलेगा इंडिया में। अभी दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, अभी तो ये मालूम नहीं है ये कब आएगी ये अपडेट इंडिया में, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर यहां पर जो न्यूज है वो यही है कि जिन जिन डिवाइसेस को एंड्रॉइड 10 की अपडेट देखने को मिलेगी, उन डिवाइसेज में आपको ये नेविगेशन बार, यानी कि ये जेस्चर बार जो है वो देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कौन कौन से डिवाइसेज है, तो यहाँ पर Redmi 7, 7A, Redmi Note 7, 7S, 7 Pro, और यहाँ पर जो Redmi 8, 8A, Redmi Note 8, 8 Pro, और दोस्तों यहाँ पर Redmi K20 एंड K20 Pro एंड Redmi Y3। तो दोस्तों इन सभी को जो है वो Android 10 की अपडेट देखने को मिलेगी, और इसमें जो है आपको वो नेविगेशन जैसे यानी कि नेविगेशन बार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन है, अब कब तक आएगी इसके बारे में तो नहीं पता है, पर तो दोस्तों देखने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर नेविगेशन बार के बारे में। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।